मैंने जो कहा है ना उसके बारे में सोचना। शादी मुबारक हमारे ख्याल। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था इस वक्त। अगर तुम्हारे माँ बाप ने देख लिया, वो बेचारे तो बंद कमरे में अपनी बदकिरदार बेटी का मातम मनाने में मसरूफ है। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, गुलनूर पछताती तो होगी, पछता रही होगी। पछता तो रही होगी, हमने तो कुछ गलत नहीं किया ना, ये तो गुलनूर का फैसला था। जो किया है गुलनूर ने किया, उसके फैसले के बाद जो तूफान आया है, हम सब तो बस उसकी लहरों में बह रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया। हम दोनों एक अन कहे अन सुने नाजायज रिश्ते में बंधे। जोड़ी बनती है तुम्हारी और मेरी थी, मैं और तुम एक साथ मुकम्मल, एक दूसरे के बिना आधे अधूरे। जैसे एक तस्वीर के दो रुख, जैसे एक पजल के दो पीस, परफेक्ट फिट। और तुम मेरा सारा। मेरी मोहब्बत को भूल मत जाना मलिका, वरना मेरा पागलपन तो तुम अच्छी तरह जानते हो। Thank you.
मैडम, उस लड़के अहमद के फोन की लोकेशन पहले भावलपुर, फिर रहीम यार खान, और फिर सखर जाके सिग्नल ऑफ हो गए थे। तुम्हारे ख्याल में कहाँ जा रहे हैं वो लोग? मैडम, इस रूट के मुताबिक तो लगता है कराची, क्योंकि कराची जाके गायब होना बहुत आसान है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। जी जी अम्मा, यहाँ पर सब खैर है। आप अपना और समीर का ख्याल रखें। आ गया वो घर? हाँ, मेरे जाते ही आपने छूट दे दी उसे, है ना? प्लीज अम्मा, आप जानती हैं मेरा जवाब क्या होगा, फिर भी कहाँ हूं अकेली? आप हैं, आजू है, और मुझे क्या चाहिए अम्मा? अम्मा, मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट काफी था, नाकाम शादी की सूरत में। अभी मुझे फोकस करना है काम पर, आयजा पर। अच्छा मामा, थक गई हूं, प्लीज कल बात करें। जी, अल्लाह हाफिज। आप कब आई? अभी थोड़ी देर हुई है। आयशा कहाँ है? आयशा सो गई। खाना लगा दूँ? कॉफी बनाओगे? हाँ, अभी लाएं।